हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे केरला ट्रिप के बारे में। केरला एक स्टेट है, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है। तो आप केरला जा रहे हो तो कौन कौन से जगह आप कवर करोगे तो अच्छा रहेगा, मैं इस वीडियो में बात करूंगा। 3 नाइट 4 डेज, 4 नाइट 5 डेज, 5 नाइट 6 डेज ट्रिप के बारे में, और ओवरऑल बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो और कौन कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कौन कौन से जगह घूम सकते हो, और ओवरऑल आपका बजट कितना लगेगा। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो केरला देखो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है, गोवा की तरह या मनाली की तरह या शिमला की तरह। ये एक स्टेट है जहाँ पे आप मल्टीपल प्लेसेस पे जा सकते हो। केरला एक ऐसा यूनिक स्टेट है जहाँ पे आप देखोगे कि आपको बीच मिलता है, माउंटेन मिलता है, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल मिलता है। तो सब सारी चीज़ें एक जगह आपको 100-150 किलोमीटर पे आपको मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग डेस्टिनेशन, दुनिया भर से लोग आते हैं केरला में, इंडिया से नहीं सिर्फ। और आपको ये जान के वो होगा कि ये वन ऑफ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा जैसे हनीमून वाले लोग जाते हैं, फैमिलीज जाती है, यंग क्राउड जाता है, ट्रैकिंग करना है, बाइकिंग करनी है, तो सारे टाइप के लोग यहाँ पे जाते हैं। तो देखो अगर आप केरला आ रहे हो तो सबसे पहले जैसे नॉर्मली जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो स्टार्ट करते हैं केरला, वो कोचीन आके करते हैं। कोचीन आना पड़ेगा। तो कोचीन कैसे आओगे? तो कोचीन आप ट्रेन से आ सकते हो, फ्लाइट से आ सकते हो। अगर साउदर्न स्टेट में हो, जैसे आप मान लो कि हैदराबाद में हो, बैंगलोर में हो, तो वहाँ से बहुत सारी, चेन्नई में बहुत सारी बसेस चलती हैं जिससे आप कोचीन आ सकते हो। तो कोचीन से मेजर लोग ट्रिप स्टार्ट करते हैं। जब आप कोचीन आ गए तो आइदर आप कोचीन में एक नाइट रह के कोचीन का साइट सींग वगैरह करके आगे बढ़ सकते हो, या लास्ट में भी आप ये कर सकते हो। क्योंकि अगर कोचीन से आपका ट्रेन है तो लास्ट दिन में आप आराम से मैनेज करके आप ट्रेन लेके या फ्लाइट लेके जा सकते हो। तो देखो पहला है कि आप कोचीन से जब स्टार्ट करोगे तो आप पहला डेस्टिनेशन आपका मुन्नार आता है। और कुछ केसेस में कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार, मुझे अथिरापल्ली वाटरफॉल है जो बाहुबली मूवीज़ में आपने देखा था, जहाँ शूट हुआ था। तो केरला का ये सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन अथिरापल्ली वाटरफॉल, पानी गिरता है बहुत ऊपर से। तो अभी यहाँ जाओगे अगर, तो फिर आपको कोचीन में पहला नाइट रहना पड़ेगा। कोचीन में एक नाइट रह लोगे और फिर अथिरापल्ली वाटरफॉल जाओगे और उसके अराउंड स्पाइस प्लांटेशन वगैरह कर करा के फिर आप फिर से कोचीन आ जाओगे। फिर अगले दिन मॉर्निंग फिर आप मुन्नार के लिए निकल सकते हो। तो देखो अगर मुन्नार जा रहे हो तो मुन्नार आपको अराउंड 135 सम किलोमीटर से 5.5-6 घंटे लगते हैं। मुन्नार अभी जैसा है कि मुन्नार एक हिल स्टेशन है। आप देखो कि आप कोचीन में हो तो वहाँ बीचेस हैं, वहाँ पे सी है, और मुन्नार जैसे 135 किलोमीटर में आपको हिल स्टेशन माउंटेन्स मिल रहा है। तो हिल, आप मुन्नार के बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे, पूरी तरह ग्रीनरी और टी गार्डन्स एंड टी स्टेट्स उसके लिए फेमस है। तो मुन्नार आप जा वहाँ पहुँचते हो, मुन्नार जाते समय आप बहुत सारे वाटरफॉल्स ये देखते हुए जा सकते हो। स्पाइस प्लांटेशन जिस तरह का वाटरफॉल है, बल्लारा वाटरफॉल या आपका चेहरा वाटरफॉल, ये दोनों वाटरफॉल करते हुए मुन्नार पहुँचोगे कोचीन से। मुन्नार फिर आप नाइट में रहोगे, फिर अगले दिन आप मुन्नार का साइट सींग करोगे, मुन्नार घूमोगे। तो मुन्नार में घूमने का क्या क्या जगह है, एक फ़ोटो पॉइंट है जहाँ से आप पूरे टी गार्डन्स दिखता है, वहाँ सारे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। इको पॉइंट है जैसे आवाज़ वगैरह, तो इको पॉइंट जा सकते हो। फिर टी म्यूज़ियम है, फिर वहाँ पे आपको कुछ जैसे आपको वाइल्ड लाइफ मिल जाएगा। तो राजामलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे आप जा सकते हो। कुंडला लेक भी है तो वहाँ पे बोटिंग वगैरह कर सकते हो। फिर वहाँ पे टी म्यूज़ियम है। नॉर्मली बहुत हद तक जैसे वो टी सेंट्रिक, वहाँ पे टी का बहुत ज़्यादा खेती होता है। और वो आप अगर आप देखोगे कि वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, जैसे हिमालयन रेंजेस हैं, हिमालय में जिस तरह से आपको पूरा पहाड़ वहाड़ ये सब दिख, एक बहुत हाई माउंटेंस है, उसी तरीके से ये साउथ में एक वेस्टर्न कर्नाटका, केरला, इन सब से वेस्टर्न घाट्स गुजरता, तमिलनाडु से भी जैसे ऊटी है। तो ये एक माउंटेन रेंजेस है, इसीलिए हिल स्टेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पहुँच के पूरे दिन ये सारी जगहों पे घूम सकते हो और वहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो। मुन्नार में आपको बहुत सारा डैम्स भी आप देख सकते हो, फेमस डैम मतुपट्टी डैम आप देख सकते हो, कुंडला डैम देख सकते हो, वहाँ लेक भी है, तो वहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। फिर जब मुन्नार आपका हो जाता है, फिर नाइट में स्टे करोगे, फिर अगले दिन आप निकलोगे थेकड़ी के लिए। थेकड़ी आप जाओगे, थेकड़ी क्या है? थेकड़ी एक वाइल्ड लाइफ, बेसिकली अपने वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो एक बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स वगैरह का आपने केरला में देखा होगा कि
एलिफेंट्स के राइड्स ले रहे हैं लोग, तो ये एक बहुत बड़ा जंगल है, पूरा दिन आपका यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो, पेरियार लेक है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हो जंगल के बीच में पानी से। तो ये बहुत ही अमेजिंग डेस्टिनेशन, और बहुत सारे आप जानवर भी यहाँ पे देख सकते हो। तो आप तेकड़ी में आप पूरा दिन उस दिन निकालोगे, फिर आप एक नाइट तेकड़ी करके आप चाहो तो फिर उसके बाद अगले दिन आप एलपी के तरफ जा सकते हो। तो एलपी फिर आप बीचेस की तरफ जा रहे हो। तो एलपी क्या है, एलपी फेमस है बैक वाटर्स के लिए। बैक वाटर्स जो समुद्र का पानी है जो लैंड में आ गया है, मतलब समुद्र कहीं है पर अंदर बह के वो जमीन, चारों तरफ जमीन है उसके बीच में पानी आ गया है। तो केरला बहुत फेमस है, जैसे केरला को बोलते हैं कि गॉड्स ओन कंट्री। तो अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हनीमून कपल हैं, वो उनका ड्रीम रहता है कि वो हाउस बोट में एक रात गुजारे। हाउस बोट क्या होता है, एक फ्लोटिंग घर है, मतलब आप देखो पानी में एक बहता हुआ घर, मतलब आप उसमें वो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK वाले AC, नॉन AC सारे ऑप्शंस होते हैं। तो एलपी में आप बेसिकली हाउस बोट पे ठहरते हो, और जब आप बैक वाटर से जाते रहते हो तो आपको चारों तरफ अलग एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक मस्त एक्सपीरियंस मिलता है। तो एक मस्त है एलपी, आप अगर ये कंसिडर करके जाओगे तो एलपी में वन नाइट गुजारते हैं। अगर आप मान लो कि आप नॉर्मली आपको एक्स्ट्रा पैसा लगता है हाउस बोट में, और हाउस बोट रात में चलता भी नहीं है, रात में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, तो हाउस बोट एक जगह स्टेगनेंट हो जाता है रात में सुबह मॉर्निंग तक। तो आप वहाँ पे अगर मान लो कि आपको बजट थोड़ा कम करना है तो होटल में भी रह सकते हो एलपी में, तो आप बैक वाटर्स का एक्सपीरियंस ले सकते हो, उसके अराउंड घूम सकते हो। तो एलपी इसके लिए फेमस है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप अगर डिस्टेंसेस देखोगे तो नॉर्मली देखो 3.5 से 5.5 घंटे के बीच में आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो। जैसे अगर आप कोचीन से स्टार्ट कर रहे हो, मुन्नार आ रहे हो, तो मुन्नार आपको 135 किलोमीटर 5.5-6 घंटे में आ जाओगे। फिर अगर मुन्नार से आप तेकड़ी जा रहे हो तो वो भी 3.5 घंटे में आप आ जाओगे। फिर तेकड़ी से आप जब एलपी जा रहे हो तो अराउंड 150 किलोमीटर जैसा है, तो वो भी आप 3.5-4 घंटे में पहुंच जाओगे। और फिर तो आपको देख रहे हो 3.5-5 घंटे में 100 से 150 किलोमीटर में आप सारा कवर कर लेते हो। और जब मुन्नार का आप साइट सीइंग करते रहते हो तो 80-90 किलोमीटर पूरे दिन में आप घूमते हो, इधर उधर जाते हो। तो जिस तरह से मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे टी म्यूज़ियम है, फोटो पॉइंट है, इको पॉइंट है, जहाँ पे जहाँ से आप देखते हो तो इको आता है करके। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैकिंग वगैरह पे भी जाते हैं, अगर वो इंटरेस्ट है तो वो भी मैं अगले वाले वीडियो में डालूंगा कि मुन्नार में कहाँ कहाँ आप ट्रैकिंग कर सकते हो। तो आप ये देखोगे कि आप अभी आ गए एलपी में, हाउस बोट में हो, फ्लोटिंग मस्त वाले स्टे करके नाइट वो करके फिर आप कोचीन जा सकते हो। तो अभी एक ये तरीका है कि आप कोचीन चले गए, और या आप फिर नीचे जा सकते हो। नीचे मतलब अगर देखो जो कोचीन जो केरला का सबसे फेमस शहर है, बट तिरुवनंतपुरम जो है उनका कैपिटल है, वहाँ पे पद्मनाभम जी का टेंपल है जो सबसे फेमस टेंपल है, और कोई भी अगर जाता है उनका कैपिटल तिरुवनंतपुरम जाते हैं तो वहाँ पे पद्मनाभम टेंपल ज़रूर जाते हैं। वहाँ जाके आप तिरुवनंतपुरम में भी बहुत सारे बीचेस हैं, वो सारे चीज़ एंजॉय वगैरह करके आप फिर वहाँ से या तो बैक आ सकते हो कोचीन से, फिर ट्रेन पकड़ सकते हो, या फ्लाइट वगैरह भी वहाँ से मिल जाता है, तो आप वहाँ से फ्लाई करके कहीं भी चले जा सकते हो। तो आपको मैंने ये पूरा बताया। कोचीन अगर मान लो कि कोई बंदा कोचीन जाता है, कोचीन से बैक जाना है, तो कोचीन में भी एक नाइट का ट्रिप लगा मतलब एक नाइट ठहर के आप वहाँ का बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। कोचीन का अपना एक बहुत हिस्ट्री है, जैसे फोर्ट कोचीन है, और वहाँ पे चर्चेज़ हैं, जैसे आप मान लो कि सेंटा क्लॉज बेसिलिका है, या सेंट फ्रांसिस चर्च है, या वहाँ पे चाइनीज़ फिशिंग नेट होता है, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख सकते हो। फिर आप वहाँ पे जिस तरह के बीचेस वीचेस हैं, जो मरीन ड्राइव है, मरीन बीच पे वॉक वगैरह कर सकते हो। हाँ, तो जैसे त्रिपुनितरा यहाँ पे ये एक महल है, तो आप वहाँ जाके टाइम बिता सकते हो। तो देखो सर, मैंने पूरा कुछ अब ये पूरा एक केरला ट्रिप के बारे में आपको आइडिया दिया इस वीडियो में। मैंने मनाली, शिमला मनाली, मैंने और भी जैसे थाईलैंड हो गया, मालदीव से उसके वीडियोस बनाए, अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो आप वो देख सकते हो। तो जैसे मनाली के वीडियोस बहुत लोगों ने लाइक किया है, फेसबुक और यूट्यूब मिला के बहुत लोगों ने देखा है। अभी अभी देखो क्या आपको सीज़न की बात है कि बेस्ट सीज़न कब होता है।
तो बेस्ट सीजन होता है आपको सितंबर से मार्च तक, मानसून के बाद केरला का बेस्ट सीजन स्टार्ट हो जाता है। और जब केरला जाते हो तो देखो, केरला फेमस स्पाइसेस के लिए, मतलब गोरे भी केरला आए थे मलाबार रीजन में स्पाइस ढूंढते हुए, उन्हें पता चला था कि भाई केरला में स्पाइस बहुत मिलता है, ढूंढते ढूंढते इंडिया में स्पाइस ढूंढने जाना, तो केरला पहुंच गए थे। तो केरला में जाते हो सारे लोग मसाला खरीदते हैं, बहुत तगड़ा मसाला, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट है और उनका ऐसा क्लाइमेट है कि बहुत ही अच्छे स्पाइसेस वहाँ पे, सब तरह के मसाला वगैरह आपको मिलता है और बहुत अच्छे रेट में। केरला में आपको होटल जो है वो 1500, मतलब 1200 से 2000-2500 में बहुत अच्छा होटल मिल जाता है। तो वो एक और बेसिकली वो जो प्लेस है वो पैकेज, मतलब बहुत सारे लोग, इंटरनेशनल ऑडियंस आती है, इंडिया से लोग आते हैं, तो आपको जो क्वालिटी ऑफ होटल जिस प्राइस में मिलेगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। मतलब और जिस तरह के लोकेशंस में मिलेगा, मतलब माउंटेन्स के बीच में आप ऊपर जाके, और मैंने आपको जो 2200-2400-1800 का जो होटल मिलेगा आपको, वो नॉर्मली मनाली में आपको 4-5 हज़ार रुपये में नहीं मिलेगा, उस तरह का एक्सपीरियंस जो आपको केरला में मिलेगा। अभी मैं आपको बजट के बारे में बताता हूँ कि देखो, केरला का 3 नाइट 4 डेज, 4 नाइट 5 डेज, या 5 नाइट 6 डेज, या लाइक 6 नाइट 7 डेज का ट्रिप लगा सकते हो। एक कुमारकोम भी प्लेस है, वो भी ऐड कर सकते हो केरला में, वो भी बहुत लोग जाते हैं, फेमस है। तो अभी आप ये देखोगे कि ये मतलब कोची से ये सारे नज़दीक वाले प्लेसेस हैं, फिर एक वायनाड वाला भी एरिया जो बैंगलोर से नज़दीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कि अगर 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप करते हो, तो 3 नाइट 4 डेज का, जिसमें 2 नाइट मुन्नार, 1 नाइट तेकड़ी, या 1 नाइट एलपी, मुन्नार एलपी करके लौट आते हो, तो वो करते हो तो 8,500-9,000 में जैसे आप ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो, विदाउट फ्लाइट एंड ट्रेन बता रहा हूँ, 8,500-9,000 में। अगर आप कार बुक करते हो या बस बुक करते हो तो 8,500-9,000 रुपये में पर पर्सन कर लोगे। अगर आपको उसी तरीके से 4 नाइट 5 डेज जाना है तो ये 11,500-12,000, दो लोग हो, ज़्यादा लोग हो तो थोड़ा और रेट कम जाता है, मतलब गाड़ी शेयर हो जाता है 4 लोग हो तो अभी केरला में एनीवेज दो ही लोग अलाउ कर रहे हैं गाड़ी में, या तो बड़ी गाड़ी लो अगर ज़्यादा लोग हैं तो, वहाँ के जो भी यूनियन है उन्होंने ये डिसाइड किया है। तो आपको केरला में देखो कि 8,500-9,000 रुपये से विदाउट, अगर ट्रेन से आना जाना करोगे तो 2,500-2,500 रुपये, अगर स्लीपर से आ रहे हो तो 1,500-2,000 रुपये में आप कहीं से भी अरनाकुलम पहुंच जाओगे, कोचिन का जो मोस्ट फेमस स्टेशन अरनाकुलम, वहां पहुंच जाओगे, फिर वहां से कर सकते हो। तो 8,500-9,000 रुपये पर पर्सन में, दो लोगों 20,000-22,000 रुपये में, 22,000-23,000 ट्रेन के साथ हो जाएगा आपका ट्रिप, खाना वाना थोड़ा ऐड करोगे तो 3-4 हज़ार रुपये और ऐड हो गया, मान लो 25,000 रुपये में आपका ट्रिप हो गया। 4 नाइट 5 डेज अगर ट्रिप करोगे तो विदाउट ट्रेन फ्लाइट आपको ये 12,000-12,500 रुपये, या 5 नाइट 6 डेज भी 12,500, 4 लोग हो तो 12,500 रुपये में ये आ जाता है। तो 5 नाइट 6 डेज जो मैं ये पूरा आइटनरी डिस्कस कर रहा था आपके साथ, तो आपको ये देखो कि ये मतलब अगर आप 25,000 या 20,000 या 25,000 रुपये से अराउंड 35,000-40,000 के बीच में आप केरला का ट्रिप 6 नाइट 7 डेज तक कर सकते हो इंडिया में कहीं से भी अगर आ रहे हो। अगर आपको और कमाना है तो फिर आपको बहुत जगह बस भी ले सकते हो, बट आपको लोकल शहर में आपको साइट सीइंग, तो इन द सेंस कि लोकल जब आप वहाँ पहुँचते हो तो साइट सीइंग के लिए आपको गाड़ी हायर करना पड़ेगा, पूरे दिन का आपको 2,500-3,000 रुपये का गाड़ी रहता है, उसमें 2 से 4 लोग बैठ सकते हो, तो पर दिन का मतलब 550-550 रुपये डे ट्रिप का तो लग जाता है। तो आप ये समझ के चलो कि 1,500-2,000 पर डे के हिसाब से आपका है, मतलब अगर 3 नाइट 4 डेज कर रहे हो तो 4 डेज × 2 मतलब 8,000 रुपीज़ आपका लग गया। उसी तरीके से अगर 5 डेज है तो आप 10-11-12 हज़ार रुपये पर पर्सन में हो जाएगा। अभी मान लो कि आपको ये सब हेडेक नहीं लेना, कार बुक नहीं करना, ये नहीं करना, तो ये सब प्राइस में हम भी देते हैं आपको, 3-स्टार होटल के साथ ये पूरा पैकेज देते हैं केरला का। तो आप कहीं से भी कोचीन आ जाओगे तो इस प्राइस में हम आपको 8,500-9,000 रुपये से 3 नाइट 4 डेज से पैकेज देते हैं, जिसमें आपको गाड़ी देते हैं, 3-स्टार होटल देते हैं, ब्रेकफास्ट वाले होटल के साथ, अच्छे होटल के साथ आपको पैकेज देते हैं। तो उसी तरीके से 13,000-14,000 में आपको 5 नाइट 6 डेज अच्छे वाले ट्रिप आ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीज़न कब होता है केरला का, तो देखो केरला का जो बेस्ट सीज़न होता है वो होता है सितंबर से मार्च तक,
जब मॉनसून के बाद से स्टार्ट होता है और गर्मी स्टार्ट होने से पहले तक सीजन चलता है। अब गर्मी में थ्रू आउट द ईयर आप केरला जा सकते हो, क्योंकि देखो मुन्नार तो हिल स्टेशन है, पर आप अगर बैक वाटर्स वगैरह, वहाँ बहुत पसीना वगैरह आएगा, ह्यूमिड बहुत हो जाता है अप्रैल के बाद, पर आप जाते हैं, लोग बहुत सारे लोग जाते हैं, मानसून में भी लोग एंजॉय करना जाते हैं केरला में, मानसून में भी केरला का चार्म है, तो एक वो है। बट बेस्ट सीज़न तो जैसे मैंने बताया सितंबर से मार्च तक है। जैसे अगर मान लो कि मैंने सारा केरला का आपको बताया, आपको अगर कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन पूछना है या कोई सजेशन करना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको पैकेजेस वगैरह लेना है तो हमें कॉल भी कर सकते हो, हम सारे टाइप के पैकेजेस देते हैं। और दूसरा है कि अगर आप देखोगे कि हमारे फेसबुक पे वीकेंड थ्रिल पे 8-9 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस आपको अच्छे प्राइस पे मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने और भी मनाली, शिमला, लद्दाख, मालदीव्स ये सारे वीडियोस बनाए हैं, इस चैनल पे आपको दिख सकता है, बहुत लोगों ने लाइक किया है, तो आपको वो सारे नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। या तो आप खुद भी कर सकते हो, अगर फैमिली हो तो पैकेज लेके जाना बेटर है। अगर आप मान लो कि बैचलर हो तब तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ट्रेन से जाके आप खुद भी वहाँ कार बुक करके थोड़े पैसे बचा लोगे, हाँ, और वो एक अलग चार्म होता हो, तो कहीं बाइक भी रेंट पे ले सकते हो मुन्नार में और अपने से घूम सकते हो, तो वो सारी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।